हर कोई देश में पढ़ लिख कर IAS डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन क्या कोई पढ़ने लिखने के बाद किसान बनना चाहेगा? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही युवक की जिसने मैनेजर पोस्ट की 60,000 वाली नौकरी छोड़ी और किसान बन गया और सिर्फ 6 महीने के अंदर कमा लिए 5 लाख रुपए। शायद ये सब सुनकर आपको मजाक लगे, लेकिन ये पूरी तरह सच है। भागलपुर के एक MBA ग्रेजुएट युवक ने ये करके दिखाया है। उन्होंने खेती में अपनी किस्मत आजमाई। नाथनगर जिले के रहने वाले किसान गुंजेश गुंजन ने ऐसी कुकड़ी सब्जी की खेती शुरू की है जिसकी खेती बिहार में नहीं होती है। ऐसा करने का प्लान अचानक उनके मन में आया और इसके बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और घर चले आए। हिंदी में शुद्ध अगर बोला जाए तो ये कंटोला नाम से, और हमारे यहाँ इसको लोकल लैंग्वेज में ककोरी बोलते हैं, और कुछ गंगा कुछ पार में खेक्सा लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम पिछले साल से स्टार्ट किए थे, हालांकि ये बहुत पहले से होता था, लेकिन ये बृहत रूप में झारखंड और बंगाल में होता है, पहाड़ी इलाकों में, और वहाँ से आके यहाँ बहुत कॉस्टली रेट में बिकता है। तो हम एक बार झारखंड जाने का हमको मौका मिला था इस तरह के फील्ड को विजिट करने का, तो वहाँ देखे कि कुछ कुछ किसान लोग बड़े पैमाने पर इसकी खेती करते हैं। अभी 200 रुपया KG चल रहा है, और अगर मान के चलते हैं कि मेरा अल्टरनेट एक दिन मेरा टूटता है तो लगभग 1 एकड़ में ये 3 क्विंटल निकलता है माल। तो कितने रुपए का मुनाफा हो जाएगा इसमें? 1 एकड़ में अगर सब खर्च काट के अगर किया जाए तो कम से कम 4 से 5 लाख, 6 से 7 महीने में निकल जाता है। 4 से 5 लाख? हाँ, आराम से। गुंजेश गुंजन ने कुछ दिनों तक पारंपरिक खेती की, लेकिन उसमें उतना मुनाफा नहीं हुआ तो उन्होंने कोकड़ी सब्जी की खेती की शुरुआत की। पहले बिहार में उपज होने वाली सब्जी नेनुआ, कद्दू, खीरा, मिर्ची की खेती करते थे वो, लेकिन अब उन्होंने इस तरह की खेती शुरू की जो बिहार में काफी मुश्किल है। दरअसल झारखंड में होने वाली कोकड़ी की खेती की शुरुआत गुंजेश ने की है। उन्होंने बताया कि कोकड़ी अक्सर पहाड़ी इलाकों में होता है, ये समतल क्षेत्र की खेती नहीं है, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और अब अच्छा फायदा होने लगा है। किसान गुंजेश गुंजन ने बताया कि अगर सभी लागतों को हटा दें तो 1 एकड़ में 4 से 5 लाख रुपए का मुनाफा हो जाता है। ये सब्जी बाजार में 100 से 150 रुपए किलो मिलती है, ऐसे में 6 महीने के अंदर ही इस खेती में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन गुंजेश ने बताया कि अच्छा मुनाफा कमाने के लिए मुश्किलें और जोखिम दोनों उठाने पड़ते हैं, और युवाओं को लगातार यहाँ की मिट्टी के जरिए नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहने चाहिए। युवा किसान गुंजेश गुंजन ने कहा कि आज के समय में किसानों को पारंपरिक खेती को छोड़कर नई नई खेती प्रारंभ करके कम जमीन और कम लागत में भी अच्छा मुनाफा कमाने की सोचनी चाहिए। तो ये थी MBA ग्रेजुएट किसान युवक की कहानी, जिसने पारंपरिक खेती के तौर तरीकों को बदलकर कोकड़ी सब्जी की खेती से कमा लिए लाखों रुपए।